प्रॉब्लम ये है कि हम आते तो हैं हर जुम्मे को, इमाम साहब कहते क्या है, समझ किसी को नहीं आती, ना किसी को समझने की जरूरत है, ना किसी के पास टाइम है। बंदा क्या यार पूरा खुतबा याद हो गया बचपन से सुनते सुनते, कभी माना तो समझू। अब सुनो हजरत उमर फारूक के नाम से पहले क्या खूबसूरत अलकाब हम सुनते हैं, जरा सुनिएगा। عدل الاصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رايه للوحي والكتاب سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين وغيظ المنافقين امام المجاهدين في رب العالمين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبحان الله। अब आपके इन अलकाब का जरा माना समझना, आप عدل الاصحاب सारे सहाबा में सबसे ज्यादा अदल करने वाले, आपकी अदालत के तो चर्चे थे ना, आदमी अस्हाब हैं, मुज़य्यनिल मिंबरी वल महराब, महराब और मिंबर की आप जीनत हैं, अल्लाहु अकबर, अल मुवाफिक रायहु लिल वही वल किताब, आपकी ज़बान पर रब ने कैसा हक जारी किया, एक बार नहीं दो बार नहीं, उलमा फरमाते हैं 20 बार ऐसा हुआ कि हजरत उमर फारूक कोई मशवरा नबी पाक की बारगाह में पेश करते, उसी मशवरे की ताईद में कुरान की आयत नाजिल हो जाती। हजरत उमर की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना, तो सहाबा भी कहा करते थे कि उमर की जबान जो है, उमर की जबान पर हक जारी है, उमर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है, अल्लाहु अकबर। आगे सुनो, आप हम पढ़ सुनते हैं अमीरुल मुमिनीन व गैज़ुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन पर बड़े गजब वाले हैं, मोमिनीन के अमीर हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम हैं, अबी हफ्स, आपकी कुनियत अबू हफ्स है, और ये भी कमाल की कुनियत है, हैं अबू हफ्स, हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को, अबू हफ्स कहते हैं शेर को, और हजरत उमर वो जुर्रत वाले, वो ताकत वाले, और ऐसे गालिब थे कि आपकी कुनियत भी अबू हफ्स है, सुभान अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के शेर, हजरत उमर की तो क्या शान है, सुभान अल्लाह। ये जो मैं और आज आप जो जिक्र उमर कर रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी नेकी है, आप सुनो और ईमान ताजा कर लो। हमारी अम्मी जान सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्री उमरा, कहती हैं अपनी महाफिल को हजरत उमरे फारूक के जिक्र से आरास्ता किया करो, जब बैठा करो ना तो उमर का जिक्र कर लिया करो, दोस्तों में बैठो, घर में बैठो, मजालिस अकेले बैठने को भी मजलिस कहते हैं, अकेले में भी उमर का जिक्र किया करो, तुम्हारी मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। तो आओ अम्मी हुजूर का हुक्म मानते हुए हजरत उमर का जिक्र करते हैं, अल्लाह उनके सबके हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। अरे हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए एक ही हदीस काफी है, अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इमेजिन तो करें ना, आप सोचे तो सही कि वो क्या पर्सनालिटी होंगे कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, अल्लाहु अकबर।